शेयर मार्केट एक सही तरीका है निवेश करने के लिए। देखिए, आप जब बैंक में पैसा रखते हैं, एफडी करते हैं या और कुछ करते हैं, आपको कितना मिलता है? सरकार जो अभी रेट दे रहे हैं 6% या 7% बहुत कम है। लेकिन देखिए, हर साल जो इन्फ्लेशन है ना, वो 1% की करीब है। तो अगर आप सिर्फ फीस में पैसा रखेंगे तो वो पैसा जिस तरह से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको आपके थोड़ा बहुत पैसा, जो भी आपको दिल चाहे, वो आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। देखिए, एक अच्छी तरीका इसीलिए है, पहले इसमें सभी नहीं थी तो बहुत सारे स्कैम होता था, आप भी सुना होंगे, पैसा शेयर बाजार में लगाया तो डूब जाएगा। लेकिन अब सभी आने के बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया, बोलने का मतलब है ये थोड़ा बैंकिंग जैसा ही हो गया है, क्योंकि हमेशा सभी नज़र रखती है। तो आप इसमें थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं। तो आप कैसे निवेश कर सकते हैं? देखिए, आपका जो एज है ना, उस एज के हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। आपका एज अगर ज़्यादा है तो आप बहुत कम निवेश कीजिए, आपका एज बहुत कम है तो आप थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं। देखो, आपको ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं। आपको याद रखना पड़ेगा, आप वही पैसे निवेश करें जो जिस पैसा अगर खो भी जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा, ठीक है? आप शेयर खरीदेंगे या म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, कोई बात नहीं। आप ऐसा शेयर चुने जहाँ से कुछ आपको फायदा मिले। निवेश करने से पहले आप अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, कौन सा फंड में निवेश करेंगे या कौन सा शेयर किनेंगे। बहुत सारे शेयर बाजार बहुत सारे लोगों को अमीर बना दिया है। कहीं भी आप किसी लालच में मत पड़िए। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे डिमांड अकाउंट खुलने वाला है, आप किसी तरह एक डिमांड अकाउंट खोल लीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, ये आप जब 500 रुपये से कर रुपये का सपना देखते हो तो आपको निवेश करना चाहिए। मैं बोलता नहीं करोड़ रुपये आएगा, लेकिन बहुत कुछ आएगा। आप अगर सही तरह से निवेश करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। यहाँ जो मिलता है वो इन्फ्लुएंस से ज़्यादा है, जो मार्केट का इन्फ्लेशन है उससे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। कभी कभी तो 10 या 15% रिटर्न भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए वही पैसा जो आप रिस्क ले सकते हैं, अगर वो खो भी जाए आपका कुछ नहीं फर्क पड़ता। इस तरह सोचने वाला या इस तरह से आप सोचेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए।